हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद फिर मैं एलआरसी पे एक अपडेट लेके आया हूं। हमने कुछ दिन पहले जो अपडेट दिया था एलआरसी का, वो 100% सही था। ऐसे मेरा एक भी अपडेट गलत नहीं गया था। लेकिन इस बार जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए जो मैंने 20 तारीख का अनुमान लगाया था, वह इन्फॉर्मेशन तो सही ही था लेकिन नहीं आया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो, ये तो आयोग पे डिपेंड करता है। और हर बार की तरह मुझे लगा इस बार भी जो भी मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला है वो सही ही होगा, और हो जाता तो आप लोगों के लिए अच्छी बात थी। ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आप लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता, खुशी घर में पार्टी करने का। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। कभी कभी कहता है ना, पढ़ुआ भी है कि अच्छा के लिए देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए आप लोगों के जीवन में अंधेर नहीं है। सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, हर मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। मैंने चार टॉपिक लिखा है, ये स्टूडेंट का ही सवाल है और मैं चाहूँगा इसमें आप लोगों को सही सही जानकारी दें और आप लोग इस बातों से सहमत हो जाएंगे कि आगे होने क्या वाला है, ठीक है। ऐसे मैं बेफालतू का कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ और ये मैं आप लोगों के लिए सामने जो वीडियो मैंने लेके आया हूँ, इसमें आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा, आगे का जो आप लोग का रणनीति है वो भी बनाने में सहूलियत होगा। कैसे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, वो भी जानकारी मिल जाएगा। अब मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, तुरंत वीडियो देखते हैं, माही सर का वीडियो आया सही होगा गलत ही होगा क्या होगा, तुरंत कॉमेंट कर देते हैं। अरे बाबू, पहले पूरा वीडियो देखिए ना, उसके बाद आपका सवाल कीजिए, क्योंकि आप लोगों का 80% सवाल ये होता है जो मैंने वीडियो में बता दिया वही सवाल आप पूछते हैं, फिर मुझे ग्रुप में या कमेंट में लिखना पड़ता है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए एलआरसी के सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात मैं करूंगा। पहले नंबर पहला सवाल है कि कब तक आएगा। हमने तो आपको 20 तारीख तक का ही अपडेट दिया था, 20 सितंबर तक जो है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा, लेकिन ये कैंसिल हो चुका है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब क्या होगा, तो अब ये हो सकता है, फिर मुझे जो जानकारी मिला है कि पूरे दुर्गा पूजा तक, ठीक है, पूरे दुर्गा पूजा तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इतना आप लोग आश्वस्त हो जाइए, दुर्गा पूजा अच्छे से मनाइए, कपड़ा लद्दा पहनिए, पार्टी करिए, जहां घूमने का मन है वहां घूमने जाइए, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा पूरे दुर्गा, नहीं तो आपका दुर्गा पूजा इस बार का खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे आयोग ही कुछ ध्यान नहीं देगा तो इस पे चर्चा करना भी बेकार की बात है। चलिए, तो पूरे दुर्गा पूजा तक नहीं आएगा, ठीक है। कब का मतलब समझ गए, इसका मतलब है दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद। अब दुर्गा पूजा के बाद कब आएगा इसका कोई अपडेट अभी नहीं है, क्योंकि इस पे आयोग जो है ना सो चुका है, वो कुछ सोचना ही बंद कर दिया। जो भी बहाली हुआ है, जो काम कर रहा है, उसका सही से हो नहीं पा रहा, तो सोच रहा है कि इसको क्यों बहाली कर, सरकार का पैसा क्यों दे, जो काम कर रहा है वो सही से हो नहीं रहा है, अब फिर हम नया बहाली करेंगे तो इसका तो मंथली, इसका तो सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सरकार का भी हाथ, आयोग के साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, यहाँ पे आयोग सोया हुआ है और आयोग को सुलाने वाला कोई नहीं, गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है। तो सरकार को भी जवाब दीजिए। सेकेंड नंबर ये है, समझ गए कब तक आएगा, दुर्गा पूजा के बाद। फिर आपका सवाल होगा दुर्गा पूजा के बाद कब, तो उस कब का कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि आयोग सोया है, आयोग को सुलाने वाला सरकार है। चलिए, क्या करना पड़ेगा, अब देखिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। आपको कुछ खोना नहीं है, बस आपको मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है, तो आपके पास दो चीज है मेहनत करने का, या तो अगले एग्जाम की तैयारी करिए, या तो सरकार और आयोग से लड़िए। अब लड़ने का मतलब यह नहीं है कि तोड़ फोड़ कीजिए, नहीं, अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार है, गांधी जी का अपनाइए ना, उनका बहुत बड़ा हथियार था। सबसे बड़ी दिक्कत है एलआरसी स्टूडेंट में कि 4-5 मैक्सिमम 10 से 15 कैंडिडेट ही आयोग शुरू से जा रहा है बेचारा,
जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि यहाँ पे कुल मिला के 926 सिर्फ अमीन में खाली है रे बाबू, सिर्फ अमीन में खाली है 926, और जा रहा है कितना, 15 से 20 स्टूडेंट। ये काफी मैंने बोल दिया, ये सब सोया हुआ सोच रहा है कि जाइए रहा है, अरे बेहुदा, उसके चक्कर में ये भी जाना बंद कर देगा ना। और ये कौन जा रहा है, ये 15-20 स्टूडेंट, जिसका किसी का 10 से, किसी का 15 से, किसी का 20 से छूटा है, वो जा रहा है। इसका मतलब है कि मेहनती तो है, ये तो निकालिए लेगा, और जो बाकी बच गया है, जिसका बहुत से छूट रहा है ना, वो जो आप लोग साथ देना नहीं चाह रहे हो, दिक्कत हो जाएगा। वो बहुत बेरोजगारी है, घर में बैठने से कुछ नहीं होता है, बाहर निकलिए और बाहर निकल के इन लोग को साथ दीजिए। अब कौन जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे नहीं पता है, मुझे नाम भी पता नहीं है कौन आयोग बार बार जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि 5 से 10 या 10 से 15 या 15 से 20 स्टूडेंट मैक्सिमम बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको साथ देने वाला कोई नहीं है। ये 926 स्टूडेंट, इतना सीट खाली है, इसका मतलब 926 रैंक ही नहीं जाएगा। जितना खाली है ना, इसका 1.5 गुना, समझ जाइए 1500 से 2000 रैंक बढ़ेगा। अब सबका नहीं, पूरा 2000 प्लस, बीसी में कर रहा हूं ना, 2000 प्लस चला जाएगा। जितना कैटेगरी है ना, सब में देखिएगा 300 से 400 रैंक हाई जाएगा, तो वो लोग का होने वाला है। तो करना क्या पड़ेगा, दुर्गा पूजा के 5 दिन बाद, 5 डेज इंतजार कर लीजिए कि आयोग कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दिया रहा है। 5 दिन मात्र इंतजार करो, मैं आपको कह रहा हूं, 6ठा दिन इंतजार नहीं करना है। ये जितना हो सके 1000-2000 स्टूडेंट्स पटना के सड़कों पे आ जाओ, धरना दो, एक दिन नहीं, कंटिन्यू, जब तक मुझे इसका न्याय नहीं मिल जाए, जब तक मुझे आश्वासन नहीं मिल जाए कि कर क्या रहे हैं आप। आयोग जाओगे, कहेगा फाइल उस टेबल पर है, कहेगा उस टेबल पर है, कौन टेबल का क्या काम है हमको क्या पता। 2 बजे के बाद जाओगे तो हर टेबल पे चाहिए मिलेगा, तो फाइल मेरा कहाँ है, गोदरेज में बंद है। तो इसीलिए कहते हैं दुर्गा पूजा के 5 दिन तक इंतजार कीजिए, 6ठा दिन आप लोग मीटिंग कीजिए और जाइए सरकार से अपना अधिकार मांगिए। और 1000 से 2000 स्टूडेंट, ये मत सोचिएगा कि मैं सुपौल में रहता हूं तो पटना कैसे जाऊंगा, मैं अररिया में रहता हूं तो पटना कैसे जाऊंगा, बेगूसराय, भागलपुर, अरे कहीं रहते हैं, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, गया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, कहीं भी हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हैं, सभी विचार कीजिए और आइए, अपना अधिकार मांगिए, धरना दीजिए शांतिपूर्वक, ठीक है, खाना पीना त्याग दीजिए, सभी अपना अपना मेरिट लिस्ट, अपना रैंक कार्ड लेके आओ, बैनर बनाओ और मार्च कीजिए शांतिपूर्वक कि मुझे अधिकार दीजिए। अरे पूरे मीडिया पे आप आ जाओगे, पूरा बिहार में सब जान जाएगा कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, सरकार भी जाग जाएगा, आयोग भी जाग जाएगा। एक बार गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे तो आयोग तुरंत दे देगा, आयोग का इसमें कोई गलती नहीं है, आयोग को जो डिसीजन मिलता है वही करता है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, प्रिंसिपल जब तक ऑर्डर नहीं देगा प्रोफेसर क्या करेगा। तो इसीलिए कहते हैं आप लोगों को कि बार बार आयोग को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी है मामा। इसलिए पहले मामा पर प्रहार कीजिए, उनसे सवाल पूछिए ताकि मेरे साथ क्या हो रहा, हमें सेकेंड मेरिट लिस्ट चाहिए, क्योंकि 926 सीट खाली है सिर्फ अमीन में, क्लर्क में खाली है, एसओ में खाली है, सब मिल के आइए, सब साथ दो। हम सिर्फ अमीन की बात नहीं कर रहा हूं, और भी जोड़िएगा तो 2000 के आसपास, 1800 की 2000 के आसपास सीट खाली है, क्लर्क है, एएसओ है, कानूनगो है, अमीन का है, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने बता दिया ना, दुर्गा पूजा के बाद 5 दिन इंतजार कीजिए, कुछ करता है तो करता है, और नहीं तो फिर आप कीजिए, सबको आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो झुनझुना झुलाते रहिएगा, हमको फोन कीजिएगा तो 4 को झाड़ी देंगे। दुर्गा पूजा के 5 दिन के बाद सर कब आएगा तो मारेंगे 2 थोपी।
करता तो कुछ नहीं, एक लड़का था वो मल्टीपल डिसेबल था, वो बार बार मुझे बोल रहा था कि सर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, हमने चेक किया सही में गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी का मतलब क्या, वो लोग का सीट खाली है, बचा हुआ ही है और पूरा कर लिया ही नहीं। हम बोले जाओ इस पे आयोग जाइए, आयोग से पूछिए। हमने उनको पूरा दिशा निर्देश दिया, बेहुदा गया ही नहीं, और नहीं गया उसके बाद हमको कॉल ही नहीं करता, क्योंकि कॉल करेगा तो हम पूछेंगे तुम गया। बस हो चलिए, कितना उम्मीद है, देखो उम्मीद तो है 100% कि आएगा, लेकिन कब आएगा गवर्नमेंट और आयोग पे डिपेंड कर रहा है, डेट पे डेट, डेट पे डेट दे रहा है। दुर्गा पूजा तो बड़ी मस्ती मारेगा, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, तो 100% उम्मीद है कि आएगा, 100% उम्मीद। लेकिन ऐसे हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के 5 दिन या 10 दिन में दे दे तो सही है, नहीं तो फिर आप ही लोग को कुछ करना पड़ेगा, तो 100% उम्मीद है, नहीं तो फिर समझ ही रहे। कहते हैं चार नंबर लिखे हैं आप लोग कितना पॉजिटिव और एक्टिव हैं, तो आप लोग जो है ना 0% एक्टिव हैं, अगर हमने 15 से 20 लड़का को छोड़ दें तो ठीक है। उसके बाद बाकी बात क्या, 0% एक्टिव है, मुझे नहीं करता है कि वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतना लेजी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए किसी को मेहनत करना चाहिए। ये बेहुदा पागल है ये 15-20 लड़का जो जाता है, इसको तो चाहिए कि हमें आगे के एग्जाम का तैयारी करें। छोड़ दो क्या कर रहा है, तुम करेगा आएगा ये लोग खाने के लिए, शादी में नहीं होता कि शादी में करता है 10 आदमी मेहनत खाता है पूरे गांव वही कर रहा है, ये 10-15-20 लड़का पता नहीं कौन है बेचारा, ये इतना मेहनत कर रहा है, इतना जा रहा है, इतना क्या कर रहा है, लेकिन जब निकलेगा ना तो ये सब भोज खाने आएगा, इसको याद भी नहीं करेगा। जैसे मैंने 26 तारीख से लेके इतना दिन तक आप लोगों के लिए मेहनत किया और फर्स्ट लिस्ट में जिसका 10 जुलाई तक में सिलेक्शन हो गया, वो लोग मौज मार रहा है कहां माई सर कहां क्या, अरे याद करना तो दूर है, मैसेज भी नहीं करता है, बताओ जब मुझे नहीं करता तो इसको कौन करने वाला है, बात करो इससे ग्रुप में होगा और मीटिंग करो इसके साथ क्या करना है आगे और सब मिल के आओ। मैं कहता हूँ 1000 से 2000 स्टूडेंट नहीं आएगा अपना अधिकार मांगने, तो मैं कहता हूँ 0% उम्मीद है, कुछ नहीं होने वाला है तेरा, कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग 0% पॉजिटिव और एक्टिव है ठीक है, बस चाहते हैं कि बना बनाया हुआ खाना मिल जाए, जो कि पॉसिबल जल्दी नहीं होता। आपका सीट रखा हुआ है, आपका रिजल्ट है, आप सरकारी अधिक मतलब कर्मचारी बन चुके हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं पन्नों पे ठीक है, लेकिन सरकार की नजर में अभी नहीं है क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिल रहा है। मेन बात सैलरी पे, पैसा मिलना शुरू है देखिए बर्तवारी आना शुरू हो जाएगा आप लोगों का, है ना, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा समाज में, घर में और इधर उधर सब हर जगह, नहीं तभी आपका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कहता हूं, बस लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूं क्या, इस वीडियो में लास्ट टाइम ये बोल रहा हूं कि उम्मीद 100% है, पॉजिटिव आप 0% है, क्या करना, कब तक आएगा, दुर्गा पूजा के बाद आएगा, अब क्या करना पड़ेगा, तो दुर्गा पूजा के 5 से 10 दिन तक इंतजार कीजिए। मैं तो कहता हूँ 5 दिन तक इंतजार कीजिए ठीक है, क्योंकि जो भी मिठाई खाएगा दुर्गा पूजा में पेट खराब होगा, तबियत खराब होगा, कुछ होगा, 5 दिन में सब सही हो जाता है, क्योंकि अधिकारी लोग है, डॉक्टर बड़ा बड़ा दिखा लेता है ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोगों को 1000 से 2000 आइए, लेकिन इन लोग से बात करके मीटिंग करके एक अच्छा दिन पंडित जी से दिखा लीजिए ठीक है, और उस दिन आप आइए डिनर तिनर बनाइए, सब अपना रैंक कार्ड लेके आइएगा, उसके बाद देखिए पटना की मीडिया आप लोगों को कितना साथ देता है, सब साथ देगा, सरकार तक बात जाएगी, कुछ दिन में आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जॉब हो जाएगा। और एक बढ़िया खुशखबरी, 3 महीना तक दिया है BTSC वाला क्लियर करने का, सुप्रीम कोर्ट सुने ही होंगे, BTSC वाला पुराना वाला, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसे बहुत सारा वीडियो बन चुका है इसलिए मैंने नहीं बनाया, इस पर एक वीडियो ऐसे मैं फिर भी बना दूंगा ठीक है, मेरा कर्तव्य है। 3 महीने बाद BTSC को क्लियर करेगा तो जो अभी LRC में जॉब कर रहा है, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट निकल के चल जाएगा, BTSC में खाली हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको अधिकार मांगना पड़ेगा, समझ गए। 3-4 हजार LRC में सीट खाली होगा और सब जाएगा BTSC में, क्योंकि सबका रिजल्ट हुआ था, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसमें आप लोगों का होगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। जितना LRC में एग्जाम दिया है ना, 6 महीना तक में सबका हो जाएगा। LRC में जो एग्जाम दे दिया, मैं कह रहा हूं LRC में जो भी स्टूडेंट बैठा था एग्जाम दे दिया,
छह महीना तक में देखिएगा सबका हो जाएगा, क्योंकि बीटीएससी क्लियर करेगा ये लोग, जाएगा उसमें, इधर खाली आप लोग को घुसा देगा। वेटिंग लिस्ट, अभी वेटिंग लिस्ट नहीं, अभी हमें मेरिट लिस्ट दीजिए सेकेंड या थर्ड, पूरा सीट भर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा तब दीजिए वेटिंग लिस्ट, और जब बीटीएससी में भरेगा तो हम लोगों को अंदर करेगा, है कि नहीं। तो हिम्मत, एक्टिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, दुर्गा पूजा मनाइए, हम भी आप मना रहे हैं, हम भी घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोचिए वो वीडियो पहले बना देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों परेशान कीजिएगा, लेकिन जो भी करना है दुर्गा पूजा के बाद कीजिएगा, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, बाय।